मखीर जेड़ा बड़ी पवित्र चीज है, जमने कोला लिया ते मरने तकर मखीर जेड़ा इंसान दे कन्ने होंदा है। हर कोई काम जेड़ा शुभ कार्य तुस करदे हो उस च मखीर दा इस्तेमाल जेड़ा है वो होंदा कर होंदा है। दवाइयां च होंदा है, इयां भी आयुर्वेद च मखीर की बड़ा उच्चा दर्जा दिता गया। पर मखीर बनता तो जान देगा हो कि भौरा दी मक्खियां जेड़ियां वो मखीरा की बनांदियां ने। पहले तो आप एक जिले समा जिस वेले जंगल जाड़े च भौर आते हे ते अपना बसां करते हे, खखरा लाते हे, उहदे चा मखीर जेड़ा है वह लैता जांदा हा। फिर समय च तब्दीली आई तो मखीरा दी जिहड़ियां टोक पेटियां ने वह बनना शुरू हुई हैं। दिखो तुस मखीरा दी जिहड़ियां पेटियां ने ये लगी दियां ने। मक्खियां जिहड़ियां ने ये राखवियां ने। अगर बिल्ला भौर होवे तो भाई वह बड़ी टकांदा है, पर यह बिल्ला भौर नहीं है, ये राखवा भौर है। तो पुड़दियां घट न, लड़दियां तो हैन, पुड़दियां तो हैन, पर यह घट न। मेरे कन्ने ये कश्मीरी भरा न साढ़े, मखीरा का काम करते हैं, मक्खियां पालने का काम करते हैं, रौने वाले अनंतनाग के। ब्राह्मण जेड़ा है ये जम्मू शहर भी आते हैं तो राजस्थान तकर जाते हैं, क्योंकि मक्खियों की अगर पालना है तो फुलें की बड़ी सख्त लोड़ होती है। फुलें चा गै रस चूसी है मखीर बनता है। गलबात करने आ, एक तो भाई जान अपना नाम बताइए। मुख्तार अहमद, अनंतनाग से। अनंतनाग से। ये कब से कर रहे हैं कार्य? ये मैं 90 से कर रहा हूँ। 90 से? 90 से कर रहा हूँ। तो जम्मू में ही आते हैं या कश्मीर भी रखा है? यहाँ से हम जाते हैं घर से हम जाते हैं सीधा राजस्थान। अच्छा, तो फिर उसके बाद वापस आते हैं इधर जम्मू। अच्छा, हाँ जी। तो फायदे का सौदा है या घाटे का? फिलहाल घाटे का सौदा है। फिलहाल शायद को ना कुछ कीमत आता है ना निकलता है अभी। हाँ ना, कुछ नहीं निकलता है आजकल ना। दो साल हो गया ऐसी मौसम खराब हुआ तो कुछ नहीं निकलता है। तो मक्खियां मर जाती है उसे, ये परेशानी होती है, बहुत परेशानी। देखो पेटियां 100-150 पड़े मरी हुई है। अच्छा, पेटियां? हाँ, वो मरी है ना, वो पेटियां है मरी हुई है। अच्छा, हाँ। तो ये जो हादसा हुआ है इस बार ही हुआ या अक्सर होता है? नहीं, इसी बार हुआ। पहले जब आपने 90 में शुरू किया था कितनी पेटियां ली? मैं तो 15 पेटियां लिया था मैंने पठानकोट से। अच्छा, हाँ, प्रथम 15 पेटी से मैंने बेचिया भी 1000 में। अच्छा, हाँ, बनाया भी 350 का लिया मेरे पास है। अच्छा, हाँ, यानी कि 300 कॉलोनी आपने रखी है। हाँ, 350 का। अच्छा, तो एक जो पेटी है जिसमें ये मक्खियां हैं कितना शहद देती है? ये देती है 20 किलो भी 25 किलो भी। अच्छा, और किसी वक्त कुछ नहीं देती है। 20-25 किलो एवरेज इसकी होती है, मतलब देती है 3-4 किलो एक राउंड में, दो तीन चार किलो, मतलब सीजन में ये कम से कम एक पीपा देगी। अच्छा, मतलब ये मतलब फिर पैसा नहीं आता हमारा। अच्छा, हमारा ये मतलब जो घाटा होता है इसमें। अच्छा, कि जब रेट ही नहीं है इसका। अच्छा, क्या रेट क्या है इसका? रेट 150 रुपये देते हैं किलो। ओहो, इतना कम? बहुत कम। इधर जम्मू वाले भी देते हैं 150 रुपया, ये भी व्यापारी आएगा 150 से ऊपर नहीं देगा। अच्छा, अभी खुद कितने का बेचते हैं? हम तो पूरा कश्मीर में 500 का बेचते हैं किलो, 500 में, मतलब जाता है 1000-2000, जिसको जितना चाहिए उतना देता है वो, मगर एक्चुअली इसका 500 रुपये रेट ठीक है। 500 ठीक है, लेकिन 150 लोगों का अभी ठीक है, मतलब 150 रुपया तो कुछ भी नहीं हुआ। वही कुछ नहीं देते हैं ना, यही हम बोले गवर्नमेंट से, हमको मेहरबानी करके हमको पैसे दे दो, ज्यादा आप ही ले लो, क्योंकि उनके पास प्रोसेस है, खुन मुंह में है, उनके पास बहुत पैसे है, मगर वो लेते नहीं है। अच्छा, नहीं, सरकार तो कहती है कि हम खरीदेंगे या किसानों से। हाँ, जो कुछ नहीं खरीदते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है इसका। अगर वो खरीदेंगे गवर्नमेंट, वो व्यापारी बढ़ाएगा रेट। जब गवर्नमेंट ही नहीं लेते हैं तो व्यापारी क्या बढ़ाएगा रेट? और व्यापारी को तो चाहिए सस्ता। उसको चाहिए सस्ता, वो तो 1000 रुपये में बेचता है किलो। अच्छा, हाँ, हमको कुछ नहीं मिलता है। तो एक सीजन में पूरे साल में कितना शहद मिलता है आपको? पूरे साल में हम इधर निकालेंगे तकरीबन 100 पीपा निकलेगा इधर हमको। अच्छा, श्रीनगर में मिलेगा 100 पीपा 350 बक्से का। अच्छा, मतलब इसका मैंने बोला है इसका मार्केट रेट नहीं आता है हमको। श्रीनगर का रेट अच्छा आता है, उधर एग्रो वाले उठाते हैं, ये इंडस्ट्री वाले उठाते हैं, एग्रो वाले। अच्छा, उधर से उठाते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, जो साफ शेयर होकर ये केकर का वो उठाते हैं, बस केकर के बैग कोई नहीं चलता है इधर। अच्छा, ये जम जाता है, केकर वाला शायद ही जमता है। नहीं, कहते हैं कि जब जो शहद जमता है वो खराब होता है ना, वही अच्छा होता है, वही होता है अच्छा। यही लोगों को पता नहीं है ना, जो जम जाता है वही अच्छा शहद है। अच्छा, हाँ, उसको धूप में रखो फिर वापस आएगा। अभी जो मार्केट में जाता है ना, इसमें दवाई डालता है। अच्छा, जो मार्केट का शहद है ना वो नहीं जमता है, उसमें दवाई डालते हैं ये। अच्छा, सारे जो भी बोर्ड है जमता है। अच्छा, जो भी लिक्विड है ना सर्दी में नहीं जमेगा ना, वो खराब शहद है। अच्छा,
उसको तो, कैश भी करवाया उसको हा? तो वो उनको निकलता है साफ। यही पर चक्कर है ना, इनको बाहर भेजो चेक के लिए, फिर देखो क्या है ये। अच्छा, वो दवाई मिलाता है वो उसमें जम जाता है, नहीं जमता है। अच्छा, कश्मीर आप मार्केट में देखो अभी आ रहा है या कोई सोनी वाला है, वही वो बेचता है, वो दवाई मिलाता है, हम नहीं देते उसको। हम शायद हम घर ले जाएंगे, हम ऐसे ही बेचते हैं किलो किलो, लोगों को बताते हैं जम जाएगा शायद, अच्छा है नहीं जमेगा, लिक्विड है ये, खराब है दवाई इसमें लगाए। अच्छा, तो जब आप कश्मीर में कौन से मौसम में आप ये कॉलोनी से रखते हैं? अप्रैल में आता है इसका शायद। अच्छा, अप्रैल मई में शायद आता है, फिर बंद हो जाता है, फिर हम जाते हैं पहलगाम साइड में। अच्छा, तो उधर से सोलह का शहर आता है, दूसरा शहर वो जंगल में। अच्छा, क्योंकि यहाँ जंगल है वैसे वहाँ भी। तो जम्मू कब आते हैं आप? जम्मू आते हैं यही रहते हैं, अप्रैल में तक रहते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, जब सर्दियाँ होती तो फिर जम्मू। फरवरी अप्रैल तक इधर होते हैं। अच्छा, बाकी अब राजस्थान में जाते हैं। तो राजस्थान नवम्बर में। अच्छा, नवम्बर से लेकर फरवरी तक। फरवरी में यहाँ आते हैं। अच्छा, तो आने जाने का किराया भी काफी बहुत लगता है, किराया लगता है यहाँ से 50,000-60,000 रुपया लगता है कश्मीर से सीधा। अच्छा, उधर से वापसी 45,000 रुपया इधर तक, 1,00,000 इधर तो, इधर से 25,000 फिर कश्मीर तक। अच्छा, और मजदूरी लगता है इसमें, वो भी 500-500 रुपये लेते हैं मजदूर, 5-6 आदमी लगाते हैं उसको, 3,000 बनता है, उधर भी 3-4,000 रुपये उतारने में लगता है। अच्छा, ये बहुत परेशानी है इसमें, ये परेशानी है इसमें। काम तो अच्छा है ये, मतलब काम जब आएगा ऊपर वाला देगा तो अच्छा देगा, मगर रेट इसमें नहीं आता, इसलिए छोड़ रहे हैं लोग। लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया, बोलते हैं इसमें बचता ही नहीं, क्या फायदा है, लोग करेगा काम बचने, पैसा बचना चाहिए, जब गवर्नमेंट इसको खरीदेगा तो फिर इसका रेट चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। जिस वेला गवर्नमेंट इसकी खरीदूगा तो आगे कीमत जी इनकी थोग, ये आखना इंदा की इंदा आखना है कि व्यापारी जिस वेला आते हैं तो तुसें पता व्यापारियों का अपना गै रेट है, जल्द चीज तुस खरीदते हैं वो तो किश होर कीमत पर खरीदते हैं, और भाई जिस हकूदे भा चीज थोआ दी हो तो बासपति की कीमत थोड़ी देग। तो इंदा इे आखना है कि सौदा जोड़ा मखीर बनाने क्ढने का एक घाटे का सौदा है, प्रशासन और सरकार की चाहिए है कि इस बखी भी ध्यान दे, महकमा राई बाई जी है वह खास इस बखी ध्यान दया करती है, पर अगर उत्पादन करने वाले की घाटा महसूस होआ करता है फिर काम कौन करूगा।